कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताऊँ, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छी सेहत थी, और उसके साथ साथ यहाँ जो देसी सिलसिला था हमारे लोगों का रहन सहन जो था वो ये था कि हर घर में, कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ किसी की कोई भैंस या गाय ना बंधी हुई हो। अच्छा। तो वो घर का दूध और घर की चाय और ये देसी अंडे वगैरह मक्खन, ये हम लोगों की आम जो ग़िज़ा थी। और ये था कि क्रिकेट का शौक़ था, क्रिकेट खेला करते थे। एक लड़का था हमारे साथ, हमारे क्लास फेलो था, तो हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसने बॉलिंग की तो मैंने जनाब लगाया, उसको चौका लगाया, उसके जनाब धड़ाम करके जाके यहाँ लगी। मैं घबरा के भाग गया, मैंने कहा ले ले भाई, ये तो मुसीबत पड़ गई गले में। बस ये वाकया मुझे याद है, बस कुछ नहीं हुआ, बस वो उसको जो है ज़ख्म तो नहीं हुआ, लेकिन वो सारा ये यहाँ की जगह जो है वो सारे उसके सोज हो गई। गुलों में रंग भरे बहार चले। वो दादा हमारे जो है ये साथ है, हमारे मस्जिद है, तो यहाँ वो मस्जिद में अल्लाह सुबह यानी कि इस टाइम तहज्जुद के टाइम आ जाया करते थे। अजान के बाद हमने एक दिन देखा कि वो जो है कपड़े पहने हुए हैं लेकिन ऊपर चादर लिपटी हुई है, ये आंखों देखा मैं वाकया आपको सुना रहा हूँ। तो कुछ दिनों के बाद हमने पूछा, दादा ये आपने चादर पहनी हुई है, ये कमीज़ कहाँ गई है? उन्होंने कहा कि एक गरीब आदमी आया, उसने कहा मेरी कमीज़ नहीं है, मैंने उतार कर उसको ये कमीज़ दे दी, मैं अब ये उसके ऊपर जो है चादर ओढ़ के फिर रहा हूँ। ये बात हमें उनकी बहुत याद है आज तक। दरवेश आदमी। ईदें किस किस्म की होती थी जब आप बच्चे थे, उस वक्त की ईदों के वाले समय बताएं। हाँ। किस किस्म का मंजर होता था जब ईद होती? बहुत बहुत अच्छा मंजर होता था, पूरी फैमिली जो है यहाँ इकट्ठे होकर जनाब पूरे ग्रुप की सूरत में, 10 मतलब 15-20 आदमियों की टोलियों की सूरत में जो ईदगाह जाते थे, शहर से बाहर ईदगाह थी, ईदगाह में वहाँ जाकर नमाज ईद अदा करते थे, फिर जनाब वापस आते रास्ते में। फिर खासकर उस वक्त जो जलेबी और लड्डू जो है वो बड़े मशहूर थे। अच्छा। वो लोग बहुत पसंद करते थे, पहले पहले मिठाई की दुकान पर जमघटा होता था। पाकिस्तान बनने के साथ साथ वो पहले का जो दौर था वो ये था कि हिंदू की यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी मजबूत थी अपना पोजीशन, बहुत तगड़े थे, तो बहुत ज़्यादा उनकी पोजीशन मजबूत थी यहाँ उनके मुकाबले में। हमारे मुसलमानों की पोजीशन बहुत कमज़ोर थी, बहुत कमज़ोर थी। पाकिस्तान के बनने के साथ साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने तरक्की की, वो सूद की लानत से हमें हमारी जान छुटी, सूद के बाद फिर हमने हक जो हलाल रिस्क था वो कमाने के साथ साथ बहुत बेहतरी आई। 300 साल कम से कम 300 साल 400 साल पहले से हम लोग यहाँ आबाद थे और शेख फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, बड़ों ने इस्लाम कबूल किया था 300 साल पहले, तो हम वो उन शेखों में से नहीं हैं जो पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया हो, हम पुराने शेखों में से हैं यानी कि असल जो हैं जो पहले थे। कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहते थे यहाँ, उनमें थोड़ा सा उनमें वो रहन सहन और उन लोगों की आदत तो शामिल थी उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो दीन ने तरक्की की है उस हवाले से जो है वो काफ़ी वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बस ये दरख्तों पे चढ़ जाना और भागना दौड़ना, फिर किसी की टांग टूट गई, किसी का जनाब मोच पड़ गई, बाजू में मोच पड़ गई, किसी का बाजू टूट गया, ये सिलसिला चला रहता था। हाँ, मार बहुत कम, क्योंकि मैं उन सब में जो है वालदैन को बहुत ज़्यादा प्यारा था। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, ये फले फूले, और खसूसी तौर पर हमारे बच्चे जो है ये इस लगन और मोहब्बत के साथ ये काम करें कि पाकिस्तान कायम दायम रहे और इसके मुखलिस बन के रहे। इसके मुतालिक ये ना सोचे कि वो खा गया, अपने अपने इस पर कायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 14 अगस्त अब अनकरीब आ रही है, 14 अगस्त, और हम लोग इंशाल्लाह ये तहिया करेंगे अपनी फैमिली को भी, अपने दोस्तों को भी,
हर आदमी को यही मशवरा देंगे कि खुदारा आप सोचें, मुल्क के खातिर सोचें, अपने बच्चों के खातिर सोचें, अपने बिजनेस के खातिर सोचें, ईमानदारी से काम करें और ईमानदारी जो है आपको ये पाकिस्तान जिंदाबाद।